हर पल बनती खबरें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण की जिन 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए जबकि 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पुरुष उम्मीदवार 719 हैं और महिला उम्मीदवारों की संख्या 69 है। इसके साथ ही 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 पुरुष और 9 महिला सहित कुल 89 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने 83 पुरुष और 6 महिला सहित कुल 89 प्रत्याशी मुकाबले में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 82 पुरुष और 6 महिला सहित कुल 88 प्रत्याशी मुकाबले में उतारे हैं। पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येसुदान गढ़वी खंबालिया से और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढ़वाडिया पोरबंदर से और आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतारगाम से, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी माजुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जामनगर उत्तर से रिवाबर जडेजा, भावनगर ग्रामीण से गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, जसर्दन से कुंवर जी बावालिया और मोरबी से कांतिलाल अमृतिया और जेतपुर से जयेश रडाडिया चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 2,39,76,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,33,000 से अधिक पुरुष और 1,15,42,000 से अधिक महिलाएं और 497 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमते ही दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपशब्दों का प्रयोग स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो से की। जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किया। जेपी नड्डा ने नडियाड खेड़ा में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महिसागर के कडाना में एक चुनावी जनसभा को आदिवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार के दौरान आदिवासी कल्याण का बजट 900 करोड़ का होता था, जबकि भूपेंद्र पटेल सरकार ये बजट 1,00,000 करोड़ रुपए का हो गया है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान गोधरा कांड का मुद्दा गोधरा की धरती पर उठाया। योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में एक रोड शो निकाला। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भी बैकफुट पर दिखी कांग्रेस ने मतदान और उसके परिणाम से पूर्व ही मीडिया के व्यवहार और ईवीएम को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में राज्य की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के लिए भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जोर आजमाइश जारी है। वहीं बीजेपी ने नेताओं की फौज प्रचार में उतार दी है। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के काम में लगे हैं। बुधवार को बीजेपी ने 14 जगहों पर विजय संकल्प रोड शो आयोजित किया। एमसीडी में बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई गईं, तो साथ ही आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला गया। चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने दिल्ली की कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के कायाकल्प को लेकर अपना पूरा प्लान पेश किया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में कालकाजी में बनाए गए ईडब्ल्यूएस के 3,000 से अधिक फ्लैट्स की चाबी सौंपी थी। जेलर वाला
बाग में भी एक प्रोजेक्ट है, वहीं जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान योजना के लगभग 10 लाख लाभार्थी होंगे। पीएम उदय योजना का लाभ 50 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा वादा करते हुए RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी रैलियां और पद यात्रा करके वोट मांग रहे हैं। वहीं पार्टी ने नगर निगम चुनाव के वास्ते पार्टी के प्रचार अभियान के तहत डिजिटल वैन भी रवाना की। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए थीम दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे रखा है। इसमें दिल्ली में पिछली कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया गया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं और विश्व की GDP में 85% की हिस्सेदारी रखने वाला समूह G20 और गुरुवार से समूह का औपचारिक अध्यक्षता भारत के पास। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जोको विडोदो ने प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता सौंपी थी। फिलहाल दुनिया के सामने खाद्य संकट, आपूर्ति चेन को बहाल करने और ऊर्जा संकट से बाहर निकलने की चुनौती है। भारत का नजरिया सतत सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अमृतकाल में भारत को मिलने वाली अध्यक्षता के मौके पर दिल्ली स्थित स्वराज भवन में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री के साथ देश के अलग अलग कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी कुल 75 जगहों से युवा जुड़ेंगे। देश में लाल किला सहित 100 ऐतिहासिक जगहों का चयन किया गया है, जिन्हें 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक विशेष लाइटिंग से सजाया जा रहा है। भारत कुल 200 बैठकों का आयोजन G20 की अध्यक्षता के दौरान करेगा। अध्यक्षता ग्रहण से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदस्य देशों के राजदूतों के साथ भारत ने मुलाकात बैठक कर चुका है। वहीं भारत शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को विशेष रूप से आमंत्रित करेगा। भारत का जोर 21वीं सदी में देश की सर्वस्पर्शी प्रगति, समृद्ध सांस्कृतिक को दर्शाने और विश्व के भारत के विजन को रखने पर भी रहेगा। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने कई देशों में उनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर ग्लोबल मॉनिटरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया में अल्पसंख्यकों के हालात को बताया गया है। साल 2015 से वर्ष 2022 के बीच ये रिपोर्ट तैयार की गई है। सूची में भारत को सबसे ऊपर रखा गया है। रिपोर्ट में भारत की अल्पसंख्यक नीति को विविधता को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। शोध संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अन्य देशों के विपरीत भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां किसी भी धर्म के किसी भी संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया दूसरे और जापान तीसरे, पनामा चौथे और अमेरिका पांचवें नंबर पर है। दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो पाकिस्तान 104, मालदीव 108, अफगानिस्तान 109 नंबर पर है। रिपोर्ट में सोमालिया आखिरी पायदान पर है। दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला का संकट है, ऊर्जा संकट है और रूस यूक्रेन की तकरार। पूरी दुनिया में महंगाई दर आसमान छू रही है और अर्थव्यवस्थाएं धड़ाम हो रही हैं। दुनिया भर में मौजूद चुनौतियों के बीच मौजूदा वित्त वर्ष में भारत में GDP की रफ्तार दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर के बीच 6.3% दर्ज की गई। इससे पहले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट 13.5% रही थी। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं में वृद्धि दोहरे अंक में दर्ज की गई है। दूसरी तिमाही के दौरान ये 9.6% के मुकाबले 14.7% रही है। इसके अलावा सभी क्षेत्र में GDP COVID-19 महामारी से पहले की स्थिति में पहुंच गई है। महंगाई की दर भी नियंत्रित और संतुलित है और ये अपने उच्चतम स्तर 7.8 से कम बनी हुई है। कोर सेक्टर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के संकेत सकारात्मक हैं और ये स्थिर बनी हुई है। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के व्यापारियों, उद्यमियों का समूह का काशी के व्यापारियों ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में स्वागत किया। तमिलनाडु के व्यापारियों, उद्यमियों का समूह के लिए काशी तमिल व्यापार पाठशाला का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के विशिष्ट व्यापारियों ने अपने अनुभव और प्रेरणा को साझा किया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से व्यापारी वर्ग के लोग उत्साहित हैं। उनके मार्गदर्शन का फायदा उठाकर लोग अपने उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ बातचीत की।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, हमें महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किए गए सुधारों की प्रशंसा की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने पिछले 8 वर्षों में प्रौद्योगिकी में बड़ा विकास देखा है। बीएसएफ के आईजी डीके बूरा ने कहा है कि पड़ोसी क्षेत्रों के कई प्रयासों के बावजूद सीमा पर घुसपैठ की 7 कोशिशें नाकाम की गईं। महिलाओं की प्रजनन के दौरान मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। 2014 से 16 में प्रति लाख बच्चों के जन्म पर 130 माताओं की मौत की तुलना में 2018 से 20 में 97 माताओं की मृत्यु प्रति लाख हुई है। नौसेना प्रमुख ने कैडेट्स ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस प्लेटफॉर्मों जैसी आधुनिक तकनीक ने सुरक्षा चुनौती को बहुत ही जटिल बना दिया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट mygov.in पर जाकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 143वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के खड़क बासला में आयोजित की गई। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने परेड का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिकी सेना के संयुक्त अभ्यास के दौरान सैनिकों ने कौशल का आदान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक सड़क हादसे में ट्रक और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आपदा प्रबंधन के 3रे क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम से नुकसान के न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सदन में विधेयक पेश किए जाने को लेकर मील का पत्थर बताया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 300 पासपोर्ट, बड़ी संख्या में जारी दस्तावेज, स्टाम्प, लैपटॉप और टैबलेट भी बरामद किए हैं। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच कर रहे मजदूर यूनियन के लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय आरएसएस नेता गोपाल येवतिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदर्श थे और उन्होंने अंतिम समय तक भारत की आराधना की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने राजनगर में रहमानपुर हाई स्कूल में नवनिर्मित स्कूल भवनों का उद्घाटन किया। बिहार में आयकर विभाग ने पटना में स्टील फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। प्रमोटर के कारखाने और आवास पर आज सुबह तलाशी भी शुरू की गई। सेंसेक्स आज 418 अंकों की छलांग के साथ पहली बार 63,000 अंक से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी ने आज दर्ज की 140 अंक की छलांग, कारोबार के अंत में 18,758 पर बंद हुआ। आरबीआई ने डिजिटल रुपए की खुदरा इस्तेमाल से संबंधित पहला पायलट परीक्षण 1 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 4 बैंक होंगे शामिल। फिलहाल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी, बाद में 9 और शहरों में इसे किया जाएगा लागू। आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट किया था शुरू। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाहों की रक्षा के लिए पारित किया समलैंगिक विवाह सुरक्षा विधेयक। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध मानने के फैसले को पलटने का था खतरा। इंग्लैंड और वेल्स में खुद को ईसाई बताने वाले लोगों की आबादी में 2011 के मुकाबले करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है। ताजा जनगणना में खुद को श्वेत बताने वालों की आबादी भी सामने आई है और 4% से कम है। वहीं चीनी प्रशासन ने गुआंगजू में हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए तैनात किया पुलिस बल। कड़े कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ चीन के कई इलाकों में चल रहे प्रदर्शन। अमेरिका रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगर इसी रफ्तार से अपना परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाता रहा तो 2035 तक चीन के पास हो जाएंगे 1500 परमाणु हथियार। फ्रांसीसी अधिकारियों ने एक बड़े आपातकालीन बचाव अभियान में 61 प्रवासियों को किया रेस्क्यू। ब्रिटेन की तरफ वाले तट पर चले अभियान में बचाए गए लोगों में बच्चे भी शामिल। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में चल रही नाटो की 2 दिवसीय बैठक, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत नाटो देशों के विदेश मंत्री ले रहे हैं बैठक में हिस्सा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भी बैठक में हुए शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर लगाया काला सागर के इलाकों को युद्ध क्षेत्र में बदलने का आरोप। साथ ही ब्लिंकन ने रूस को खाद्य सुरक्षा संकट के लिए भी ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी सेनाएं डोनबास और खार्किव के क्षेत्र में बढ़ना चाह रही हैं आगे। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से की हथियार भेजने की मांग।
यूक्रेनी विशेषज्ञों ने युद्ध अपराधों को साबित करने के लिए खार्किव के इलाके से इकट्ठे किए मिसाइलों के हजारों टुकड़े, क्लस्टर बॉम्ब्स और रॉकेट। रूस ने खार्किव पर दागे थे गोले। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विरोधी प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मेडिकल उपकरणों और कई तरह के स्वस्थ खाद्य पदार्थों को किया गया प्रदर्शन। खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किए गए। इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तमिलनाडु के रहने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को दिया गया और तमिलनाडु के रहने वाले अचंता शरद कमल ने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा देश के 25 बेहतरीन खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इस साल अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में मुख्य रूप से बैडमिंटन की युवा स्टार लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय, महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, मुक्केबाज अमित, शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और पहलवान अंशु मलिक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 7 खेल प्रशिक्षकों को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा, जिसमें 4 पुरस्कार सामान्य कैटेगरी में जबकि 3 पुरस्कार लाइफटाइम कैटेगरी में प्रदान किए गए। इस वर्ष 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने खेलों के प्रोत्साहन और विकास में अहम भूमिका निभाने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 3 संस्थाओं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया। भारत के खिलाफ खेले गए 1 दिवसीय सीरीज को न्यूजीलैंड ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी में ट्यूनेशिया ने फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 1-0 से हरा दिया। वहीं देर रात को फीफा विश्व कप के एक अहम मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना होगा पोलैंड से। पोलैंड के खिलाफ जीत अर्जेंटीना की नॉकआउट में जगह करेगी सुनिश्चित। दूसरी तरफ सऊदी अरब और मेक्सिको के बीच मुकाबला भी अर्जेंटीना और पोलैंड के बीच होने वाले मुकाबले के साथ ही खेला जाएगा। सऊदी अरब की टीम अगर जीत दर्ज करती है तो नॉकआउट में जगह सुनिश्चित कर लेगी। केरल के थिएटर मालिकों ने फिल्म अवतार 2 को रिलीज करने से किया इनकार। मुनाफे को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिकों में नहीं बन पा रही है सहमति। 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है अवतार 2। अजय देवगन और तब्बू की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 की बॉक्स ऑफिस पर कमाई पहुंची 150 करोड़ के पार। केवल 12 दिनों में फिल्म ने किया इस आंकड़े को पार। वरुण धवन और कृति सरन की फिल्म भेड़िया की बॉक्स ऑफिस पर कमाई 5 दिन में 35 करोड़ को पार कर चुकी है और फिल्म भेड़िया की 5वें दिन की कमाई रही 3.5 करोड़ रुपए। देश में एकमात्र लाभ कमाने वाली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक की जीवन यात्रा पर बनाई जाएगी एक वेब सीरीज। फिजिक्स वाला बताया जा रहा है वेब सीरीज का नाम। निर्माता राजशेखर पांडियन ने पुष्टि की है कि दर्शकों के बीच बेहद पसंद की गई फिल्म जय भीम का बनाया जाएगा 2रा पार्ट। उन्होंने बताया कि अभी फिल्म को बनने में लगेगा लंबा समय। 2023 में हो रहे 95 ऑस्कर टेलीकास्ट के दौरान सभी 23 कैटेगरी का किया जाएगा प्रसारण। अगले साल मार्च में आयोजित होगा ऑस्कर। शॉर्ट स्ट्रीमिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट्री रघु नाम के एक अनाथ हाथी की कहानी है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।